Welcome to Car Energy, friends. One more car, this is QV100. A very extraordinary part has been installed. There is no lag and jug. अगर कोई भी QV100 के अंदर अगर किट लगाना चाहता है या किट लगवा चुका है, अगर वो ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है, जैसे फर्स्ट और सेकंड गियर के अंदर वो पिकअप नहीं है और गाड़ी जर्क ले रही है और लैग भी कर रहा है, तो ये वीडियो अंत तक देखना। हियर वी गो। दिस इज महिंद्रा QV100, जस्ट सी द फिटिंग। ये देखो, ये रिड्यूसर है इसके अंदर, यहाँ प्रेशर रिड्यूस होके जितनी गैस जाना है उतनी जा रही है। ये इसका गैस का फिल्टर है, सारे इम्प्योरिटीज़ फिल्टर होके। ये इसका मैप सेंसर है और ये इसका इंजेक्टर है, मतलब सीधा फिटिंग वन बाय वन। आपका रिड्यूसर, गैस फिल्टर, मैप सेंसर एंड इंजेक्टर। अब इसके आगे आते हैं, इसके आगे ये इसका ECM है और ये इसका डायनेमिक एडवांसर है। यही है जिसके कारण QV100 में कोई लैग नहीं है, कोई जर्क नहीं है। और ये फिलिंग वाल्व है, यहाँ से गैस फिल हो रही है, डायरेक्टली सिलेंडर पे जा रहा है। ऑल इन वन रो, फिलिंग वाल्व, डायनेमिक एडवांसर, ECU, इंजेक्टर, मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट सेंसर, फिल्टर, रिड्यूसर। सुपर्ब फिटिंग, देखो जबरदस्त जबरदस्त। इसके अंदर मैं अब आगे चलता हूँ। मैं इसके अंदर ECM और ये सॉरी डायनेमिक एडवांसर, इससे आपकी जितनी भी वायरिंग जा रही है, एक वायरिंग है ECM का, एक है डायनेमिक एडवांसर का, ये और ये। अब देखो सारा ट्रिपल लेयर स्लीविंग में जा रहा है, खूबी देखो, प्रॉपर प्रॉपर। अब इसके अंदर आगे चलो, मैं दिखाता हूँ। इसके अंदर फिल्टर तो खैर लगा ही है, किट के अंदर नहीं आता। सी है, ये इसका कूलेंट कनेक्शन है, सी सी यहाँ। और फिर यहाँ से देखो आप, दूसरा दूसरा जो जा रहा है यहाँ से यहाँ, इसको खोल के दिखाना पड़ेगा, इट्स गॉन ईयर। देखा, सुपर फिटिंग, सुपर। सी कूलेंट कनेक्शन हो रखा है। अब आगे चलते हैं, इसका देखो, ये सारा कपलर टू कपलर वायरिंग है, सारा कपलर टू कपलर। मज़ा आ गया फिटिंग करके QV100 के अंदर, ज़बरदस्त है, सुपर फिटिंग, सुपर। नो वायर कट, डायनेमिक एडवांसर हैज़ बीन पुट ऑन, नो जर्क, नो लैग, मतलब गाड़ी की पिकअप अल्टीमेट। गैस का फिल्टर लगा है, कोई इम्प्योरिटीज नहीं है फिल्टर। कूलेंट कनेक्शन हो रखा है, कपलर टू कपलर वायरिंग हो रखा है, सुपर। और इसका जो मेन चीज़ है जो इसको कामयाब कर रहा है, बार बार कह रहा हूँ, दिस डायनेमिक एडवांसर। अब मैं इसका बूट स्पेस दिखाता हूँ। दिस इज़ महिंद्रा QV100। एक ही ड्रॉबैक है इसके अंदर, ड्रॉबैक कह लो या कुछ भी, देखो अगर पैसे बचाने हैं तो थोड़ा सा ड्रॉबैक भी है। अब इसके अंदर जो हमने सिलेंडर लगाया, 12 kg का सिलेंडर लगाया, डक्टिंग हो रखा है, TVS नाइलोलॉक नट बोल्ट हो रखा है, सब कुछ प्रॉपर है। इसके अंदर बैग वगैरह आप यहाँ रख सकते हैं, सुपर फिटिंग। विशाल जी, आपको हमारे चैनल में स्वागत है सर। बहुत आप किसी के रेफरेंस से आप आए मेरे पास किट लगवाने? हाँ जी, मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं जिन्होंने लगवाए थे। अच्छा, तो उनके रेफरेंस में आपके पास? मतलब कई लोग थे जिन्होंने रेफरेंस दिया कि भाई वहीं जाओ, वहीं से लगवाओ, क्योंकि पहले से मेरे दो दोस्तों ने लगवाया था यहाँ से। हाँ, उनकी मैंने कार वगैरह चला करके भी देखी थी। हाँ, मुझे अच्छा लगा था उसमें। अच्छा, अभी हम आपने करीबन आप पूरे दिन ही रहे आज, आपने फिटिंग देखी, फिटिंग की क्वालिटी आप देखो, जैसे वो रिड्यूसर है, फिल्टर है, इंजेक्टर है, आपका ये ECM है, ये आपका डायनेमिक एडवांसर है, फिलिंग वाल्व है। एक रो के अंदर फिटिंग कर रखा हूँ मैं, बिल्कुल कोई भी सामान इधर उधर नहीं है।
कैसा लगा फिटिंग? फिटिंग तो बहुत शानदार की है ये तो, मैं पूरा दिन साथ में रह करके मैंने देखा एक एक चीज़ उन्होंने सही जो तरीके से होना चाहिए था उस तरीके से ही लगाई है उन्होंने। और मैंने आपको एक बात कहा था भैया, इसके अंदर जो है एडवांसर कोई भी लगा लो कामयाब नहीं है, बिल्कुल उतना मज़ा नहीं आएगा। इसके अंदर अगर लगवाना है तो डायनेमिक एडवांसर अगर कामयाब हो गया तो A1 गाड़ी चलेगी, बिल्कुल पता नहीं लगेगा CNG है पेट्रोल है। ये बात तो सही है। तो आपने जो चलाई कैसा रहा? बिल्कुल मेरे को तो फ़र्क नहीं पता चला, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट आपको एक जगह मैंने दिखाया था कि ये पेट्रोल पे है, अब ये गैस पे है, गैस पे पेट्रोल से भी बढ़िया। मैंने तो आपको रास्ते में दो बार पूछ भी लिया था इसके लिए, हाँ। ये पेट्रोल पे चल रही है CNG पे चल रही है, तो आपने कंफर्म किया CNG पे। मैंने एक बार कहा भी, एक बार तार हटाता हूँ लैपटॉप से स्विच में लाइट आ जाएगा आप देखना। चलो बहुत बढ़िया। और एक दो काम है आपकी गाड़ी के अंदर, एक एक माउंटिंग का काम है वो आप करा लो, वो नेक्स्ट सर्विस में करवाने के बाद एक बार जरूर आपको दिखा दूँगा। चलो मज़ा आ गया सर, मेरे को फिटिंग करने में मज़ा आ गया, ये सेवा देने में मज़ा आया। चलो थैंक यू। इट्स अ शॉर्ट रिव्यू, दिस इज महिंद्रा KUV100 एंड बिलीव मी भाई साहब, KUV100 के अंदर दो ही प्रॉब्लम है, लैग एंड जक। अगर किसी भाई बंधु, अगर किसी ने KUV100 कहीं से भी लगवाया हो या किसी ने लगवाना हो, जस्ट गो फॉर द डायनेमिक एडवांसर एंड द एक्सेसरीज विच आई पुट ऑन, कपलर टू कपलर वायरिंग, कोई वायर कट नहीं है, ट्रिपल लेयर स्लीविंग मैंने दिखाया, आपके एडवांसर के वायर जा रहे हैं, आपके ECM के वायर जा रहे हैं, मतलब ट्रिपल लेयर में, आपका गैस का फिल्टर, आपका कूलेंट कनेक्शन, देखो ये सब डब्बे में नहीं आता है। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि ये एक्स्ट्रा एक्सेसरीज अगर गाड़ी में लगेगी तो हर एक गाड़ी के हिसाब से वो मज़ा है। देखो अगर KUV100 में एडवांसर कोई नहीं लग सकता, गो फॉर डायनेमिक एडवांसर, वन ऑफ द बेस्ट एडवांसर। इसकी पूरी सेटिंग कंप्यूटर के थ्रू होता है और सेंसर बेस्ड है, कैम सेंसर और क्रैंक सेंसर दोनों के बेस्ड है, और हर एक एंगल में हम इसको सेट कर सकते हैं, सुपर। चलो इस तरह का वीडियो आपको अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।